ये जो थर्ड वाला देख रहे हो जो कि नीचे गिरा है पैंथर फॉस्ट, वो अभी आपको बहुत जल्दी स्पैम करना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से हूं। तो ये क्लिक करना है एंड देन फायर बटन। तो ये दो बटन जो है आपको क्लिक करने हैं, ध्यान से देखना एंड ध्यान से करना क्योंकि ये आपको सॉर्ट ऑफ लाइक एक ही टाइम मिलेगा। ए भाई बदल 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 भाई 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 मेरा भाई मैं नहीं दिखाऊंगा बॉस शो तुझे आई सको। What is going on, dude? Welcome back, guys, to the channel. And ये वीडियो में, guys, मैं आपको एक glitch बताने वाला हूँ जो कि unlimited Panzerfaust का है। तो अगर आपको Panzerfaust पता नहीं है, अभी भी आपने Karakin नहीं खेला है, तो Panzerfaust जो है एक जो है map exclusive weapon है। ये एक rocket launcher आप इसे कह सकते हो। ज़्यादा भी overpowered नहीं है, जैसे कि RPG में दिखने को मिलता है, you know, किसी like payload mode में वगैरह, ऐसा नहीं है। Panzerfaust भी एक rocket launcher है, लेकिन only Karakin exclusive। तो यहाँ पे जो है, guys, मैं ये game for peace में कनेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि ये जो glitch है, ये game for peace में ही हो सकता है, ये ग्लोबल वर्जन में नहीं। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे Karakin में कनेक्ट हो जाते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गेम फॉर पीस खेलते हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अभी तक ये जो है ये ग्लिच ये फिक्स नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, एंड मुझे पता भी नहीं ये वर्क कैसे करता है क्योंकि कुछ लॉजिक नहीं बनता। बट ये आपको मैं बताऊंगा कि ग्लिच जो है ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। एंड ये गेम फॉर पीस के ग्लिचेस मैंने बहुत सारे अर्लियर भी कवर किए हैं, ये सिर्फ Panzerfaust का मैंने पहला वीडियो नहीं डाला है। गेम फॉर पीस में भी ऐसे ग्लिचेस होते हैं, ऐसे ही नहीं कि ग्लोबल वर्जन ही थोड़े ग्लिचेस के मामले में फर्स्ट है। गेम फॉर पीस भी कभी कभी ऐड कर देता है या फिर अचानक से ऐड हो जाते हैं अपने आप। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो गाइस, ये है Karakin मैप गेम फॉर पीस का। एंड इसमें जो है गाइस, ये Karakin जो है या फिर गेम फॉर पीस में अगर आप Karakin खेलते हो तो ये सेम नहीं है जैसे कि ग्लोबल वर्जन में खेलते हो। अभी सेम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा अलग, पर एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की कि जो ये ग्राफिक्स क्वालिटी है Karakin में जो है थोड़े से ग्राफिक इम्प्रूवमेंट किए है। तो या विजुअल्स जो है थोड़े Karakin में डिफरेंट है। अभी आप ही मुझे बताना, ये जो है फिलहाल मैंने HDR पे रखे ग्राफिक्स, तो प्रॉब्ली जो है गेम थोड़ा और अच्छा लगता होगा अगर आप स्मूथ पे खेलते हो तो। बट या एक चीज मैंने नोटिस की, ये जो ऐसे वाले ग्रास है ये थोड़े पम्प्ड अप है, इसके जो ग्राफिक्स है या फिर जो टेक्सचर्स है और थोड़े अपग्रेडेड है, ऐसा बस मुझे लगता है। बट रादर देन, एक और मैं आपको चीज बता दूं ये Karakin मैप के मोड के बारे में। तो इसमें जो है ये गेम फॉर पीस में गन स्पॉन्स नहीं होते Karakin मैप में, तो आपको मैं नीचे जाके बता दो। तो अगर आप बोलोगे कि गन्स मिलेंगे कैसे फिर, तो आपको जो है परचेस करने पड़ते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। यहाँ पे जो है पूरे मैप में आपको कुछ गोल्ड बार्स देखने को मिलते हैं, तो गोल्ड बार्स जो है आपको कलेक्ट करने होते हैं एंड उसके बाद जो है आपको शॉप में जाके रिडीम करना होता है। तो या इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी का कुछ तो वैसे आप मोड कह सकते हो, बट आपको मैं दिखाऊंगा। थोड़ा यहाँ पे दूर जाते हैं, यहाँ पे कोई तो उतरते हैं सिटी में एंड मुझे जो है गोल्ड बार्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये मोड आई डोंट थिंक सो ग्लोबल वर्जन में आया था, ग्लोबल वर्जन में नॉर्मली उन्होंने गन्स डाल दिए थे। गेम फॉर पीस में ऐसा नहीं है, इसमें जब आप Karakin खेलते हो आपको जो है एक बाइंग सिस्टम होती है, तो आपको जो है गोल्ड बार्स कलेक्ट करने होते हैं एंड उसके बाद जो है आपको जो भी परचेस करना है आप कर सकते हो। स्कोप्स अवेलेबल है, एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल है, तो दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। आई डोंट थिंक सो कोई एनिमीज है मेरे साथ, एक पीछे उतरा था। तो अभी यहाँ पे उतरते हैं एंड गोल्ड बार्स कलेक्ट करते हैं। गोल्ड बार्स भी बहुत इजीली मिल जाते हैं आपको, बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो गाइस, ये जो है गोल्ड बार्स आपको कलेक्ट करने होते हैं एंड उसके बाद अभी जो है आप यहाँ पे वॉइस चैट के नीचे वाला जो ऑप्शन है ये, तो ये आप ओपन कर सकते हो। देख सकते हो एक बाइंग कार्ट करके कुछ तो सिंबल है, तो फिलहाल तो गोल्ड बार्स जो है कलेक्ट कर लेते हैं एंड इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी लिटरली ग्रेनेड नहीं है, ना गन है, ना अटैचमेंट है, तो कुछ भी यहाँ पे स्पॉन नहीं होता सिवाय गोल्ड बार्स के। तो आपको जो है बस ये गोल्ड बार्स ही कलेक्ट करने हैं एंड उसके बाद जो है आप शॉप में जाके जो गन चाहिए आप लिटरली स्टार्टिंग में ही ले सकते हो। आपको AWM चाहिए आप वो ले सकते हो, K9 चाहिए विद एटेक्स वगैरह जो चाहिए वो ले सकते हो राइट अवे स्टार्ट में। बस आपको जो है यहाँ पे बहुत बड़ा लॉट मिल गया तो ये उठा लेते हैं। एंड अभी जो है गाइस, मैं आपको ग्लिच दिखाता हूँ कि आप कैसे ट्रिगर कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉप ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे जैसे देख रहे हो गाइस, हर एक तरह की गन अवेलेबल है, तो जो आपको चाहिए आप राइट अवे यहाँ से परचेस कर सकते हो। एंड या वेट अ सेकंड, मैंने आई थिंक ऑम वगैरह कहा था, या AWM अवेलेबल नहीं है। तो या जो ड्रॉप एक्सक्लूसिव वेपन्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है आई गेस, या बट यहाँ पे जो नॉर्मली स्पॉन होते हैं जैसे कि M24 वगैरह वो आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है UMP हर एक गन का ऑप्शन है, उसके बाद एमोस का ग्रेनेड वगैरह एंड देन स्कोप्स का, तो हर एक स्कोप यहाँ पे अवेलेबल है, बस आपको जो है गोल्ड बार्स की जरूरत है। बट अभी जो है गाइस, मैं आपको ग्लिच दिखाता हूँ कि आप कैसे ट्रिगर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको फिलहाल Panzerfaust लेना पड़ेगा एंड आपको यहाँ पे 3 Panzerfaust लेने होते हैं,
तो एक पैंथर फॉस्ट की जो प्राइस है वो 160 है, ठीक है, 160 गोल्ड बार्स आपको चाहिए एक पैंथर फॉस्ट के लिए। तो ये एक लिस्ट ट्रिगर करने के लिए गाइस आपको 3 लगेंगे, एंड मेक श्योर कि आप ये मैसअप ना कर दें, क्योंकि इसमें जो है पैंथर फॉस्ट आप यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक अनलिमिटेड की तरह परचेस नहीं कर सकते, भले आपके पास कितना भी गोल्ड बार हो आप जो ज्यादा परचेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है गाइस मैं यहाँ पे 3 अभी परचेस कर लेता हूँ, तो अगर मैं जाता हूँ इसमें एंड देन 1 एंड देन 2 एंड देन जो अभी तीसरा मैं लूंगा वो होगा मतलब सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 इक्विप्ड है। तो अगर मैं थर्ड वाला परचेस करता हूँ जो कि ये है, तो यहाँ पे देख रहे हो थर्ड वाला जो है सीधा यहाँ पे नीचे कहीं पे तो गिरा है। तो अभी अगर आपको ये ट्रिगर करना है क्लच, तो अभी आपको जो है ये जो थर्ड वाला देख रहे हो जो कि नीचे गिरा है पैंथर फॉस्ट, वो अभी आपको बहुत जल्दी स्पैम करना पड़ेगा। तो ये क्लिक करना है एंड देन फायर बटन, तो ये 2 बटन जो है आपको क्लिक करने हैं, ध्यान से देखना एंड ध्यान से करना, क्योंकि ये आपको सॉर्ट ऑफ लाइक एक ही टाइम मिलेगा, देख रहे हो, तो लिटरली आप अनलिमिटेड स्पैम कर सकते हो। तो ऐसे करना है गाइस, मेक श्योर कि आप यहाँ पे रुको ना, क्योंकि अगर आप रुकते हो तो ये जो ग्लिच है ये बंद हो जाएगा, ये फिर से आप नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो जो नीचे थर्ड वाला गिरा है वो आपको उठाना है एंड उसी की तरह या फिर राइट अवे उसके बाद आपको फायर बटन यू नो प्रेस करना है। तो इसके बाद जो है ऐसे कुछ तो ग्लिच होगा, आप 2-3 सेकेंड वेट कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने कहा गया आपको ये बहुत ही जल्दी ये जो स्पैम करना होगा, क्योंकि या जो एम्प्टी हो जाता है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, एंड अगर वो गायब हो गया तो ग्लिच खत्म। एंड गाइस अभी अगर आप बोलते हो कि आपके पास यू नो लाइक 760 और मेरे पास गोल्ड बार्स है तो परचेस कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता, एक सर्टन लिमिट होती है। अभी मैं फिर से अगर परचेस करूँगा नहीं आएगा, क्योंकि आई थिंक कुछ तो चाइनीज़ में आ रहा है, बट डेफिनेटली कूल डाउन है, तो यू नो राइट अवे 10-12 ऐसे नहीं यू नो स्पॉन या फिर खरीद सकते हो। टाइम आउट होता है, अभी मुझे पता नहीं टाइम आउट है क्या, क्योंकि चाइनीज में लिखा है, प्रॉब्ली ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ तो ग्लिच है गाइस, आपको 3 पैंथर फॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड मेक श्योर कि आप जो हो यू नो बहुत ही क्विक जो हो स्पैम कर रहे हो वो थर्ड पैंथर फॉस्ट एंड देन उसके बाद फायर बटन, एंड एक बार आपने कर लिया आप जो अनलिमिटेड फायर शॉट्स कर सकते हो। तो ये एक ही टाइम के लिए वर्क होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप परचेस करने जाओगे इट्स आउट ऑफ लाइक वहाँ पे कूल डाउन लगा है। तो बस गाइस इतना ही आपको दिखाना था, ये जो है पैंथर फॉस्ट का ग्लिच यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्लोबल वर्जन में अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल वर्जन में आपको या आई मीन 3 पैंथर फॉस्ट अगर मिलते हैं तो मे भी कुछ जुगाड़ हो सकता है, लेकिन या 3 पैंथर फॉस्ट मिलना एक ही जगह पे सॉर्ट ऑफ यू नो बहुत ही रैंडम है। बट गाइस अगर आप गेम फॉर पीस खेलते हो तो आप ये जो है ट्रिगर कर सकते हो, एंड पता नहीं मुझे और गोल्ड बार्स मिले पता नहीं कैसे, मे बी मैं नेक्स्ट सर्कल के लिए सर्वाइव हुआ इसलिए। और जो भी गाइस ये आपको चीज़ दिखानी थी यू नो गेम फॉर पीस से रिलेटेड, ये अनबेड पैंथर फॉस्ट का ग्लिच, एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप डेफिनेटली नोटिस कर सकते हो कि ग्राफिक इंप्रूवमेंट है कैरेकिन में फॉर श्योर, क्योंकि ये जो यू नो ट्रीज है उसकी भी रेंडर क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही अच्छी है, लाइक दूर तक रेंडर हो रहा है। एंड देन ये तो आप देख ही सकते हो, एक बार मैं स्मूथ पे डाल देता हूँ, पता नहीं HDR पे इसलिए ऐसा लग रहा है, बट एक बार स्मूथ 90 पे डालता हूँ, ओके स्टिल आई थिंक स्टिल ये बेटर लग रहा है। एंड उसके बाद वो जो कोकोनट ट्रीज है तो वो भी इट्स डेफिनेटली कैरेकिन के जो ग्राफिक्स है पम्प्ड अप हुए हैं, होप ये ग्लोबल वर्जन में भी हो जाए। और जो भी है गाइस इतना ही दिखाना था आपको, डेफिनेटली अगर आप गेम ऑफिस खेलते हो ट्राई करना इस ग्लिच को, ये ग्लिच आगे जाके फिक्स हो सकता है, तो अगर आप आगे जाके ये ट्राई करते हो एंड अगर ये नहीं हुआ तो मेरी इसमें गलती नहीं है, ये ग्लिच जो है फिक्स हुआ होगा। बट या गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली लाइक करना, एंड अगर आप नए हो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना, एंड उसी के साथ नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी क्लिक कर देना, एंड मैं आपसे मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।